नमस्कार, आईपीएस डायरी में आपका स्वागत है। मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सविता बेटा, पता नहीं सविता को दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगता है। अरे हाँ, तेरे पास चाबी है तो खोल ले दरवाजा। सविता, जान कितनी प्यारी होती है और शरीर का दर्द कितना कष्टदायक, फिर भी कोई कोई शख्स अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेते हैं। क्या इससे अनुमान लगाया जाए कि उसका जीवन इससे भी ज्यादा कष्टदायक था, या आने वाले हालात उसे इतना डरा रहे थे कि उसने अपनी जान ले लेना बेहतर समझा। आइए टटोले मेरी डायरी के कुछ पन्ने और जाने इस लड़की के जीवन में क्या कष्ट था, इस वारदात के पीछे क्या वजह थी, और ये खुदकुशी थी या कत्ल। रमेश बेटा, चाय। थैंक यू माँ। क्या बात है, कोई खास खबर है क्या? नहीं माँ, जो न्यूज टीवी में दिखाई जाती है वही अखबार में आती है। जो टीवी में नहीं देख पाता तो अखबार में पढ़ लेता हूँ। नमस्ते आंटी। अरे आनंद बेटा, आओ बैठो, आओ बैठो। कैसा मेरे भाई? बढ़िया, तो ठीक ठाक। मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे अब बैठे ना आंटी। भाभी कहाँ है? आज तेरी भाभी के हाथ की तुझे चाय नहीं मिलेगी, तेरी भाभी मायके गई है। वैसे आंटी एक बात है, आपको बहू बड़ी अच्छी मिली है, कोई काम नहीं करने देती आपको, वैसे ऐसी लड़कियां मिलती नहीं आजकल। बिल्कुल सच कहा तूने, मैंने भी उसे कभी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी ही समझा है। अब ऊपर वाले ने हमें बेटी नहीं दी तो कोई बात नहीं, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे बहू के रूप में बेटी दे दी। इसीलिए तो घर आज सुना सुना लग रहा है माँ। हाँ बेटा, हमारा घर तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन उसके पापा के घर में तो रौनक हो जाएगी जब वो अपनी बेटी को अपने सामने देखेंगे। अरे सविता, आजा भाई आजा। सविता, सुबह ही तेरी माँ तुझे याद कर रही थी और तू हाजिर हो गई। सविता, कैसी है बेटी? सविता, अरे इसे क्या हुआ? सविता क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों रो रही है? बता क्या हुआ? मम्मा, अबे क्या और किस मुंह से बताऊं? अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी माँ। सविता क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? अरे आखिर बात क्या है बता ना। अरे बोल ना, हम तेरे माँ बाप हैं। अरे अपनी समस्या हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? बात क्या है? रमेश और उसकी माँ मुझे पैसों के लिए बहुत तंग करते हैं। वो लोग मुझे आप लोगों से पैसे मांगने के लिए मजबूर करते हैं, और अभी भी मुझे यहाँ पे आप लोगों से पैसे मांगने के लिए भेजा गया है। बहुत बकवास करती है ना, अब पता चलेगा। बिना 2 लाख रुपए लिए अगर इस घर में आई ना तो समझ ले अच्छा नहीं होगा, समझी? क्या 2 लाख लगा के रखा हुआ है? हाँ, पहले ही मेरे माँ बाप तुम लोग को इतना दहेज दे चुके हैं और अब फिर से 2 लाख रुपए। एहसान नहीं किया है क्या? हर बाप देता है अपनी बेटी को, समझी? एहसान नहीं किया है मतलब क्या? हाँ, तुम मेरे पापा को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तेरे बाप के पास इतना बड़ा बंगला है, किसका मांगेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें हर बात पे जाके तंग करूं, उनसे पैसे मांगू। बिना 2 लाख रुपए लिए अगर इस घर में आई ना तो अच्छा नहीं होगा। आज 2 लाख मांग रहे हो, कल 5 लाख, फिर 10 लाख, और ऐसे धीरे धीरे करके तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सब पैसा कहाँ जाता है। अच्छा? पत्ते खेलते हो ना, छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि हर बार हारते ही हो ना तुम। मारना चाहते हो मुझे? हाँ ठीक है, लो, मार डालो। अच्छा? मार डालो, देखती हूँ मैं कितना डरता हूँ। मारो मुझे।
अगर जरूरत पड़ी ना तो मार भी दूंगा, समझी? और बात सुन ले मेरी, कान खोल के, अगर बिना पैसे लिए इस घर में आई तो ये भी कर दिखाऊंगा। चल निकल। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरे ससुराल वाले ऐसे निकलेंगे। तो जब भी तेरे ससुराल गए, तेरी सास ने तो हमेशा कहा कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। अब क्या हो गया सावित्री? इंसान का ईमान बदलते देर नहीं लगती है। बेटी चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ, करता हूँ कुछ, देख इसको। हाँ गुप्ता जी नमस्कार जी। वो असल में क्या है कि कुछ जरूरत थी पैसों की। हाँ नहीं नहीं, अब आपको तो पता है घर गृहस्थी में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए पता ही नहीं लगता। हाँ जरूरत बहुत थी सर। क्या नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ रकम ज्यादा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर इंतजाम नहीं हो पा रहा तो मैं देखता हूँ। किससे बात कर रही थी जी? गुप्ता से। एक दो लोगों से और बातें करिए, लेकिन इतनी जल्दी 2 लाख रुपए? आप रमेश की माँ से बात कीजिए ना कि हम। सविता क्या कह रही थी? कि रमेश उधार मांग रहा है, हो सकता है वापस कर दे। सविता ने ये भी कहा था कि वो पत्ते खेलता है, और जुआरी ने कभी किसी के पैसे वापस किए हैं? हर कहीं हार गया तो और मांगेगा। मैं तो कहती हूँ कि बेटी को भेजो ही मत, अपने आप ही होश ठिकाने आ जाएंगे तो खुद लेने आएगा सविता को। पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम। एक दो दिन की बात तो ठीक है, ज्यादा दिन बेटी घर के अंदर रहेगी तो रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? और कहीं ये बात रिश्तेदारों को पता लग गई तो बहुत बदनामी होगी। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन करें क्या जी? फिलहाल तो हमें 2 लाख रुपए का इंतजाम करके सविता को देकर उसको उसके ससुराल भेजना है। उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो चलेंगे ना, बात करेंगे रमेश और उसकी माँ से। इतनी जल्दी 2 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा जी? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ। तुम्हारा हार कितने तोले का होगा? हार? सविता, अरे कैसी है बेटा? ठीक है। देख सविता, हमने सोच लिया, कल तू अपने घर, मेरा मतलब अपने ससुराल जाएगी। नहीं पापा, अब मैं उनके ताने और नहीं सहन कर सकती। अरे पगली, ताने तो तब देंगे ना जब तू खाली हाथ जाएगी। बेटा तू पूरे 2 लाख रुपए लेकर जाएगी। अरे सावित्री, ये क्या है? इसे बेच दे, हम इसे यहाँ नहीं बेच सकते, हमें बहुत लोग जानते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तू इसे अपने वहां जाकर बेच देना और 2 लाख रुपए उन लोगों को दे देना, और बाकी जो पैसे बचे उसे अपने खर्च के लिए रख लेना। नहीं माँ, मैं ये नहीं ले सकती, और फिर क्या गारंटी है कि वो लोग और पैसे नहीं मांगेंगे? सुन बेटी, ये भी तो हो सकता है रमेश ने वाकई उधार मांगे। देख एक बार हमें रमेश को देख लेना चाहिए। नहीं पापा, मुझे पता है कि ये पैसे वापस नहीं आएंगे, और फिर मैं आप पे 2 लाख का बोझ नहीं डाल सकती। अरे बात 2 लाख की नहीं है बेटा, हम ये नहीं चाहते कि 2 लाख के लिए तेरे रिश्तों में दरार आए। देख तू अपने मम्मी पापा से सच्चा प्यार करती है, तू चाहती है कि हम सुख चैन से रहे, तो बेटा हमारा सुख तो तेरे सुख में है। चांद, अच्छा हुआ यार तू आ गया, चल मुझे घर छोड़ दे। घर तो तुझे छोड़ दूंगा मेरे भाई, पर मेरे पैसे कब लौटा रहा है? दे दूंगा यार, मैं भाग थोड़ी रहा हूं। ज्यादा पी ली है क्या? ये भागने की बात कहां से आ गई? और वैसे भी रमेश ये तेरे
20-30 हजार करते करते ना पूरे 2 लाख हो गए हैं। अबे पैसा देना तो दूर की बात, तूने आज तक कभी बात तक नहीं करी लौटाने की, पर हाँ अब मुझे मेरे पैसों की जरूरत है। हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए रमेश। दे दूंगा भाई, तो चिंता क्यों करता है, तेरी पाई पाई लौटा दूंगा। अरे क्या बड़बड़ा रही हो, हाँ क्या हो गया? देखिए ना जी, सविता को ससुराल गए इतना टाइम हो गया, उसने एक भी फोन नहीं किया। बस इतनी सी बात है? अरे तो हम कर लेते हैं ना फोन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं आप फोन मत कीजिए, एक तो वैसे ही दहेज को लेकर उसके ससुराल का माहौल ठीक नहीं है, और आपने फोन किया तो रहने दीजिए। ठीक। क्या यार रमेश है? साले कैसा है? बस तू बता। बढ़िया। सुबह सुबह क्यों यार? वो ये ले। क्या बे? पैसे हैं यार, तुझसे उधार लिए थे ना। इतने सारे पैसे तेरे पास आए कहाँ से? तू उसे छोड़ यार, गिन ले पूरे हैं। चल ठीक है भाई, गिन लेता हूँ। हैं? एक मारूंगा। अरे तुझ पे इतना भरोसा करता हूँ तभी पैसे देता हूँ तुझे उधार। एक बात मेरी याद रख, रमेश से पत्ते खेलना ये जुआ खेलना बंद कर दे बस, बहुत हो गया यार। कब तक ये उधारी कर करके जिंदा रहेगा? समझा रहा हूँ तुझे, तेरे लिए। चल एनीवे और बता, भाभी आ गई बॉम्बे से? हाँ। चल यार मैं चलता हूँ, माँ मंदिर गई है उसे लेने, मंदिर जाना है, फिर घर जाना है उसे लेकर। सविता, सविता बेटा। पता नहीं सविता को दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगता है। ये लड़की भी ना। अरे हाँ तेरे पास चाबी है तो खोल ले दरवाजा। हेलो क्या कैसे सावित्री? क्या हुआ जी? सविता रही रही। लाश को सबसे पहले किसने देखा? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों माँ बेटे मंदिर गए थे, जब हम वापस लौटे तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, और जब हम अंदर आए तो देखा कि सविता। दरवाजा नहीं खुला तो फिर आप अंदर कैसे आई? सर हमारे पास एक डुप्लीकेट चाबी भी रहती है, बार बार दरवाजा नॉक करने के बाद भी जब नहीं खुला तो मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, जब अंदर आया तो देखा सर। जगदीश जी। जनाब एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सविता
समझ में नहीं आता कि हमारी सविता ने आत्महत्या क्यों की। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी सविता ने आत्महत्या क्यों की। भगवान नमस्कार जी, वो इंस्पेक्टर साहब ने बुलवाया था। अंदर जाइए। आप लोगों को पता था कि आपके बेटे को पैसों के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी आप रिश्तों को जोड़ने और बनाने में लगे हुए थे। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? अगर वक्त रहते आपने पुलिस में कंप्लेन की होती तो शायद आज आपकी बेटी आपके साथ होती। इसी बात का अफसोस तो है इंस्पेक्टर साहब, ये सोचकर कि बेटी का घर ना टूटे, इसलिए हम लोगों ने खामोश रहना ही ठीक समझा। आपने ठीक नहीं, गलत समझा, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। आप लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आप लोग टीवी न्यूज या अखबार नहीं पढ़ते? आए दिन क्राइम के अलग अलग तरीके दिखाए और बताए जाते हैं, क्राइम के खिलाफ आवाज उठाने और उससे सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग सतर्क होते तो शायद आपकी बेटी सुसाइड नहीं करती। अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इस केस को डाउरी हैरेसमेंट, दहेज से जन्मी वारदात माना और माँ बाप को हिदायत भी दी कि उन्हें उसी वक्त समय रहते इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी, जबकि हमारे देश में बहुत असरदार कानून बने हैं जो दहेज मांगने वालों को सजा दिला सकते हैं। आइए देखें आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला। जैन सर। जैन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। ठीक है, तुम जाओ। ये रिपोर्ट कह रही है कि आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, तो उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? किसने किया उसका मर्डर? यही तो पता लगाना है। इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए। चलो। अरे सर, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? क्या किया है मैंने? पुलिस स्टेशन, वहां जाकर सब पता चल जाएगा। चलो। पर क्यों सर? चलो साहब, इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मेरा बेटा निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, मर्डर हुआ है आपकी बहू का। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं सर, मैं और चांद रमेश को बहुत पहले से जानते हैं, रमेश किसी का मर्डर नहीं कर सकता सर। एग्जैक्टली सर, अब प्लीज हमारी बात मानिए, मेरा दोस्त तो दिल का बहुत साफ है, अरे तो सविता भाभी से तो बहुत प्यार करता था। देखो, पुलिस की कार्रवाई में दखल मत दो, ये सही है कि हम इन्हें इंक्वायरी के लिए ले जा रहे हैं। अगर ये बेगुनाह है तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि इनका बाल भी बाका नहीं, लेकिन अगर मगर सर, सर 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 मेरी बात सुनिए, मैं सविता का खून क्यों करूंगा? और फिर उसने तो सुसाइड किया है ना? उसने सुसाइड नहीं, उसका मर्डर हुआ है। पहले किसी ने गला दबाकर उसको मारा, उसके बाद उसको जहर दिया ताकि हम यह समझे कि उसने सुसाइड किया है। मैं थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी का कत्ल करते हुए दहेज के लिए? दहेज? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मैंने या मेरे बेटे ने कभी सविता को दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया। क्या आप लोगों ने सविता को पैसे लाने के लिए उसकी माँ के घर नहीं भेजा था? नहीं सर, बल्कि सविता ने खुद अपनी मम्मी के घर जाने के लिए रमेश से बोला था और फिर हमने उसे भेज भी दिया, लेकिन वो तो अगले दिन ही अपने घर वापस आ गई। तो क्या सविता के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? क्या तुमने 2,00,000 रुपए लाने के लिए सविता को उसकी माँ के घर नहीं भेजा? जब सविता की माँ के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने हार दिया था। अब ये बताओ रमेश, तुम्हें पैसे मिले या हार? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, सविता ने ना मुझे पैसे दिए ना कोई हार। मेरा बेटा ठीक कह रहा है, उसने सविता का कत्ल नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, इतने बेरहम इंसान हो, तुम लोगों ने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किए हैं। मतलब? सविता प्रेग्नेंट थी। बात का पता तो हमें अभी लग रहा है इंस्पेक्टर। क्यों? पता चल जाता तो तुम उसका खून नहीं करते। सर आप बार बार खून की बात क्यों कह रहे हैं? मैं सच कहता हूं, मैंने सविता का खून नहीं किया। मेरी माँ हर रोज
अलग अलग मंदिर में जाकर हर पत्थर में भगवान को ढूंढती है ताकि उसके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे। अब तो सविता मां बनने वाली थी, फिर उसे क्यों मारा? हम इतने जालिम नहीं कि अपनी प्रेग्नेंट बहू को मार डालें, और बल्कि हमें तो ये पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। खून तो तुम ही लोगों ने किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, सविता ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तुम लोगों को क्यों नहीं बताया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही इंस्पेक्टर, कि सविता ने आखिर इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? तुम लोगों ने उसे बताने का मौका ही नहीं दिया होगा। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि तुम निर्दोष हो, तुम यही लॉकअप में रहोगे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे क्लाइंट के जमानत के पेपर्स हैं। आज तुम्हें जमानत मिल गई है, लेकिन एक बात याद रखना, शहर छोड़ के भागने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें जहन्नुम से भी निकाल लेंगे। यार चांद, आज तुमने बड़ा अच्छा काम किया, वक्त पर वकील को लाकर रमेश की बेल करवा दी। क्या दोस्त हो तो मेरी जान तेरे जैसा। अब बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अच्छा, रमेश ने तुझसे पैसे लिए थे, वो लुटाए कि नहीं अभी तक? हाँ यार, पैसे तो उसने सारे के सारे लौटा दिए। उन्हीं 2 लाख में से 50,000 उस वकील को देकर आ रहा हूँ उसकी जमानत के लिए। लेकिन रमेश के पास अचानक कितने रुपए आए कहाँ से? जयंत सर। हाँ जयंत, सावित्री देवी ने ये फोटो दिया है सर, और इस फोटो में वो हार है जो सावित्री देवी ने सविता को दिया था। तुम्हें क्या लगता है? सर, हार बहुत खूबसूरत है, इस तरह के हार की डिमांड अक्सर मेरी बीवी करती रहती है सर। शट अप, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। जी जनाब। देखो, सावित्री देवी का कहना है कि उन्हीं ने सविता को ये हार दिया। रमेश का कहना है कि सविता ने ना तो उसे हार दिया और ना ही पैसे। रमेश झूठ बोला है या सच समझ नहीं पा रहा, लेकिन ये सच है कि सावित्री देवी ने सविता को हार दिया, लेकिन अब ये हार सविता ने रमेश को दिया या किसी और को, इस हार के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि यह हार गया कहां। जब एक जुर्म होता है तो उसके पीछे कई राज छिपे होते हैं। सविता के पति और उसकी सास ने अपने बयान में कहा कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिले, कोई हार नहीं मिला, जबकि सविता की माँ का दावा था कि उसने अपनी बेटी को हार दिया। दोनों में से कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ? पुलिस भी हैरान थी कि वो हार गया तो गया कहाँ। उन्हें लगा कि शायद उस हार को ढूंढवाने से गुनहगार का पता चल जाए। फिलहाल हम ये कहानी यहीं रोकते हैं, अगली कड़ी में जानेंगे क्या इस केस के छिपे राज खुले। जागरूक रहिए, देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। देखते रहिए IPS डायरी। जय हिंद।